घरेलू इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए गुणवत्ता परीक्षण। अब हम घरेलू इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए गुणवत्ता परीक्षण की विधि को जानेंगे। इस परीक्षण को मुख्य रूप से चार तरह से किया जाता है। पहला तरीका है इंस्टॉलेशन की शुरुआती जांच। इस प्रक्रिया में कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी टेस्ट शामिल है। यहाँ अर्थिंग से जुड़े लाइव कंडक्टर्स और प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स के इंसुलेशन रेसिस्टेंस की जांच की जाती है। इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए SELV या सेफ्टी एक्स्ट्रा लो वोल्टेज और PELV या प्रोटेक्शन बाय एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सर्किट के अनुकूलता की जांच की जाती है। साथ ही इसमें फर्श और दीवारों के प्रतिरोध इंसुलेशन रेजिस्टेंस की भी जांच की जाती है। बिजली सप्लाई के ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन द्वारा सुरक्षा की जांच भी इसी चरण में शामिल होती है। दूसरा चरण है मौजूदा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को खतरे से बाहर रखना। इस प्रक्रिया में खराब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जगह पर नया इंस्टॉलेशन लगाया जाता है। तीसरा चरण है इंस्टॉलेशन की समय समय पर जांच। इस प्रक्रिया में RCD, MCB और फ्यूज की क्षमता की जांच करने के बाद उन्हें एडजस्ट किया जाता है। इस एडजस्टमेंट से ये तय हो जाता है कि लोगों को बिजली के झटके से बचाने के लिए सही इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इमारत या सामान को आग और गर्मी से बचाने के भी पर्याप्त उपाय हैं। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि इंस्टॉलेशन किसी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है और पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे किसी भी खराबी का सही समय पर पता चल जाता है। चौथा चरण उपकरणों की अनुकूलता का आकलन करना है। इसमें ये तय होता है कि उचित गुणवत्ता के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करने से गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। साथ ही कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उचित वायरिंग नियमों के अनुसार डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए। इस्तेमाल किए जाने वाली बिजली के उपकरण मानकों के अनुरूप होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अनुरूपता की शुरुआती जांच मानकों और विनियमन के अनुसार होनी चाहिए।